लिट फॉर अदर्स में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी मेहमान है नहायत काबिल एहतराम रेवरेंड सिस्टर नरगिस, जिनका ताल्लुक एफएमसी के से है और आप जो है दारुल सुकून की प्रेसिडेंट और अपनी कॉन्ग्रीगेशन के सुपीरियर है। सो सिस्टर जी, आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सिस्टर। आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि आप अपनी खिदमत और बुलाहट के बारे में कुछ बयान करें। मैंने अपनी तालीम का आगाज जो है अपने एक एरिए से, जो हमारा स्कूल था मेथोडिस्ट स्कूल था, वहाँ से किया। उसके बाद जो है फिर सिक्स से लेके मैट्रिक तक की जो मेरी तालीम थी वो सेंट फ्रांसिस हाजी कैम्प से हुई, जो कि सेंट फ्रांसिस जो मेरा अपना पैरिश है। तो वहाँ पर जो है हमारे जो है जो मेरी बुलाहट को तकबीयत देते रहे वो हमारे अपने बहुत ही काबिल एहतराम हमारे फादर साहबान हैं, हमारी सिस्टर साहबा थी और मेरी अपनी फैमिली जो थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मुझे अपनी इस बुलाहट को पहचानने के लिए। लेकिन जब मैं 8th क्लास में थी तो उस वक्त मैं बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि अचानक से मेरे वालदैन की विद इन 3 मंथ्स जो उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई। तो इनके दुआ करना भी मैंने छोड़ दी। तो हमारे जो मरहूम फादर जो इस दुनिया में नहीं है, फादर जेरी हैं वो, फादर लुइस एंड्रू जो है उन्होंने, फादर अगस्टिन सुआरेस जो हैं उन्होंने मुझे गाय बगाए बड़ा समझाया, नहीं बच्चे इस तरह नहीं सोचते, खुदा कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता है। और यहाँ तक कि फिर मेरे भाई ने कहा कि आप आगे पढ़ो, जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो आप वो करें, तो मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों इस तरह सोचते हो, वालदैन इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं हूँ ना, हम हैं ना, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह जो है वो फिर मैंने अपनी तालीम का आगाज़ शुरू किया। तो फिर मेरी एक बहुत ही अजीज़ दोस्त थी विक्टोरिया, उसे बहुत ज़्यादा शौक था सिस्टर्स बनने का, और वो मुझे भी गाय वगैरह कहती रहती थी हम सिस्टर बनेंगे, हम सिस्टर बनेंगे। तो मैं कहती थी हाँ हाँ बनेंगे, हालांकि उनको ज़्यादा जुनून था, मैं बस कहती थी, मैं कहती थी मैं इसी तरह खिदमत करती रहूँ, क्योंकि मैं लीजन ऑफ मेरी में थी, संडे स्कूल में थी, क्वायर में भी थी, तो ऑल राउंड, और काफ़ी हमारे फादर्स और हमारे सिस्टर्स खुश थे और वो समझते थे कि मैं सिस्टर बनूँगी, इसलिए वो गाय बगैर मुझे पूछते रहते थे। इवन के हमारे जो अभी जो साहब का बिशप है, बिशप मैक्स है, उस वक्त हमारे पैरिश पीस थे और उन्होंने मुझे कहा बेटी आप क्या करना चाहती हो। तो उस वक्त मैंने मैट्रिक की, तो मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, कहते हैं ऐसे कैसे होता है। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, पहले आप कोई ट्रेनिंग करो। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं PTC करूँ। तो मैंने अपने घर वाले से बात की, भाइयों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि जो फादर आपको गाइड करते हैं वो अच्छे ही करते होंगे। तो उसके बाद जो है फिर जो है मैंने अपनी PTC का आगाज़ किया, और फिर उसके बाद PTC के बाद करने के बाद मैंने 4 महीने जो है सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाया, और मैंने उनको ये कहा कि मैं एज अ वॉलंटियर पढ़ाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी उस ट्रेनिंग में जो है हमारे जो पैरिश देश से फादर मैक्स से उन्होंने, हमारी सिस्टर जीटा थी, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था। तो मैंने कहा कि अगर आप मुझे कह रहे हो आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं बस आकर एज अ वॉलंटियर पढ़ाऊँगी। 4 माह पढ़ाने के बाद जब मेरा रिज़ल्ट निकला, तो रिज़ल्ट से पहले जो है हमारे जो सबका जो बिशप टोनी लोबो हैं, वो उस वक्त हमारे कॉलेज के जो थे वो प्रिंसिपल थे और इंचार्ज थे, तो उन्होंने हमें 1 हफ्ते के लिए लांडी में लेके गए और मजहबी तालीम की टीचर्स का उन्होंने हमें कोर्स करवाया। उसमें बहुत सारे जो हमारे अभी प्रेजेंट कार्डिनल हैं, उस वक्त वो प्रीस्ट थे, कार्डिनल जोसेफ कोर्स जो हैं वो थे, और बहुत से और भी फादर आए थे। और उस वक्त फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे खिदमत ही करनी है तो क्यों ना किसी जमात के ज़रिए से मैं मिलकर करूँ।
तो इस तरह जब मैं वो ट्रेनिंग के बाद वापस आई तो क्योंकि फादर मैक्स गाय बगाए मुझे पूछते रहते थे, बेटी अभी क्या सोचा, अभी क्या करना है, तो मैंने उन्हें कहा कि फादर आप मुझे बार बार नहीं पूछा करें, जब मैं अपनी कोई इस ज़िंदगी का फैसला करूँगी तो मैं सबसे पहले आप ही को आकर बताऊँगी। यानी कि वो आपको बार बार तंग करते थे। इसी तरह हाँ, तो मैंने उनको कहा एक दिन, तो वैसे मैं जैसे इरिटेट हूँ, अच्छा बेटी अच्छा बेटी, नहीं मैं नहीं पूछता ना। तो जब इसी तरह मैंने फिर दुआ करना शुरू की, क्योंकि मकसा मरियम जो है मेरा एक रोल मॉडल मैं समझती हूँ, वो मेरी हर चीज़ में गाइडेंस करती है और एक माँ की तरह मैं अपनी सारी दुख सारी खुशी और गमी सारी बातें उसके साथ शेयर करती थी। और जब मैंने इस तरह ड्राइंग करना था तो मैंने दुआ करनी शुरू की और मदर मेरी से मैंने कहा कि मुझे गाइड करें। तो ये एक को इंसिडेंट था इस तरह कि इस तरह मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे कोई लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है। और जब मैं सुबह उठी तो एक जैसी अजीब सी, जैसे मेरी ना इतना खुशी महसूस कर रही थी। और मेरे बड़े से दूसरे नंबर पर जो भाई यूसुफ हैं, तो मैंने उनको कहा मैं हज के अंदर जा रही हूँ, कह रहे इतनी जल्दी सुबह उठ के ये क्या कहा। मैंने कहा आकर बताऊँगी मैं, अभी आप लोगों को नहीं मैं बताऊँगी। और जैसे मैं गई मैंने आगे देखा सामने फादर मैक्स खड़े थे, दोबारा से बिशप मैक्स खड़े थे। तो वो जो है खड़े थे और उनको मैंने जाकर कहा, मैंने कहा फादर मैंने आपने कहा था ना कि ज़िंदगी का कोई फैसला करोगी, तो मैंने आपको कहा था मैं आप ही को आकर बताऊँगी सबसे पहले आपको, तो मैंने सिस्टर्स में आना है। तो कह रहे मेरी तरफ पहले तो देखने लगे, कहते यस, ऐसे यस फादर। तो सिस्टर जीटा पास ही खड़ी थी, तो कह रहा है कहाँ जाना है, मैं कह यही अपनी एफएमसी के सिस्टर्स के पास, और कहाँ जाना है। तो उन्होंने सिस्टर जीटा को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये आपकी जमात में आना चाहती है। तो सिस्टर जीटा भी मेरी तरफ ऐसे हैरानगी से देखने लगी, खुश भी थी कि क्योंकि वो चाहती थी, वहाँ गाए गए वो मुझे पूछती रहती थी, मगर मैंने सुना वो कड़ाई भी बहुत थे सख्त, लेकिन मेरे साथ नहीं थी, मेरे साथ में बहुत प्यार करने वाली थी। इस शमशाद भी कभी कभी कहती थी नरगिस मैं दुआ करती तो हमारी जमात में आ जा, फिर मैं हंसती थी। तो जब उसी जब मेरी सिस्टर चीटा को ये बातें बताई तो वो बड़ी जो है वो इस तरह जो है ना थोड़ी सी परेशान भी होगी, क्योंकि कभी कभी मैं ज़ाहिर इंसान होते हुए कभी वो सख्त थी तो मुझसे भी कोई ना कोई ऐसी कोई बात हो जाती थी, लेकिन वो बहुत लविंग थी, प्यार करने वाली थी। तो मैंने कहा कि मोस्ट वेलकम। तो वो दिन और आज का दिन मैं इस जमात में हूँ और अपनी खिदमत खुदावंद के लिए दे रही हूँ। सिस्टर जी आपसे मेरा दूसरा और अहम सवाल ये है, बार बार एक लफ्ज दोहराया गया है कि एफएमसी के से क्या मुराद है और पूरी दुनिया में ये कहाँ कहाँ अपने खिदमत सर अंजाम दे रही है आपकी कॉन्ग्रीगेशन। जी एफएमसी के से मुराद है फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ क्राइस्ट द किंग। तो हम जो है क्राइस्ट किंग की सिस्टर्स हैं और हमारी खिदमत जो है ऑल अराउंड है। हम एजुकेशन में भी के साथ काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, और हमारी ज़्यादा खिदमत ऐसे स्कूलों में हैं जहाँ पर जो है गरीब बच्चों को हम मौके देते हैं कि मिडिल क्लास को हम कोशिश करते हैं एजुकेट करने के लिए। मुझे पता कि हम खुद मिडिल क्लास से हैं और हमारी इन्हीं सिस्टर्स ने अपनी खिदमत जो हमारे उस स्लम एरियाज में शुरू की और आज उन्हीं की बदौलत हम अपनी इन सीटों पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो जमात का जो मौक़िफ़ है, जो मोटो है, यही है कि टू वर्क विद द डाउन ट्रॉडन, है कि जो पुअर लोगों की दुनिया में हमारा ज़्यादा काम है। तो एजुकेशन है, फिर इसी तरह हमारे मटर्निटी होम्स हैं और ऐसे होम जहाँ पर जो है लोग आसानी से नहीं हॉस्पिटल्स जो हैं वो नहीं जा सकते, तो वो हमारे मटर्निटी होम्स में आते हैं। और हमारे मटर्निटी होम्स जो हैं वो सांगड़ में है, कोठी में था, वो अभी बंद हो गया है। उसके बाद जो है पसरूर में है, नारोवाल में है। तो इस तरह हमारे हॉस्टल्स हैं, बच्चों के बोर्डिंग्स हैं, नारोवाल में भी हैं और पसरूर में है, सरगोधा में है, और कराची में भी जो है हमारी जो है जो बच्चों की जो है हमारी मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं जिन्हें दुनिया रद्द करती है, माशरा रद्द करता है, फैमिली अपनी फैमिली कबूल नहीं करती, हम ऐसे लोगों को गले लगाते हैं। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स के घर हैं जो वालदैन अपने बुज़ुर्गों को
कि ये बुज़ुर्ग जिन्होंने उन्हें पाला, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी पोस्टों पर लगाया, और आज उन बुज़ुर्गों के लिए अपने घरों में जगह नहीं है। तो ऐसे बुज़ुर्गों को जो है हम गले लगाते हैं। सीनियर सिटीजन्स के साथ हमारी खिदमत है, और आप देख सकते हैं कि सोशली डिस्प्ले गर्ल्स हैं, कुछ के वालदेन नहीं हैं, कुछ के जो है वालिद हैं लेकिन नशा करते हैं, और वालदा जो है काम करती है और घर में बच्चियों को देखने वाला कोई भी नहीं है। तो ऐसी बच्चियां हमारे पास हैं, और कुछ हैं कि माँ नहीं है और बाप भी नहीं है, और कुछ माँ हैं लेकिन बाप जो नशे में है, तो उनके रिश्तेदार जो हैं वो उनको लुक आफ्टर करते हैं। और पिछले दिनों तो मुझे बड़ी दो बच्चियों ने रुलाई दिया कि माँ नहीं है, बाप जो है नशा करता है, और दादी ने कहा भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और उसकी खाला जो थी वो कहने लगी कि सिस्टर अब मैं भी ससुराल में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इन बच्चियों को कहाँ लेके जाऊँ। बाप अगर घर में है तो जब बाप घर में होता है तो जब दादी सो जाती है तो उनको कहते हैं अंदर आ जाओ, तो जब दादी जाग जाती है तो बच्चियों को गली में भेज देते कि कहते कि माँ चली गई है, बाप ना शकरता, मेरी जिम्मेदारी नहीं इनको लुक आफ्टर करने के लिए, अपने जो है खून के रिश्ते जो हैं इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैंने फिर वो, हालांकि वो बच्चियाँ जो हैं बड़ी हैं, स्कूल के इस काबिल नहीं थी, फिर भी मैंने एक बच्ची को स्कूल में एडमिशन दिया, और बाकी को मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इनको हॉस्टल में मैंने कहा रखे हैं सिस्टर के, कहीं भी जगह नहीं सिस्टर, मैंने कहा क्या करें, बच्चियाँ कहाँ जाएंगी अभी। तो उन्होंने, सिस्टर ने मेरी बात मानी, और मैंने अब ये इरादा किया कि उस बच्ची को पढ़ाना है हमने, उसको 9th और 10th जो है उसकी प्राइवेट करवा के, ताकि वो अपने कदमों पर खड़ी हो जाए और कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे कर सके। ये हमारी खिदमत है। सिस्टर जी, पूरी दुनिया में आपकी जमात कहाँ कहाँ काम कर रही है, और कितने कितने कॉन्वेंट्स हो गए आप पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट? एक्चुअली हमारी जो जमात थी वो 1935 में कराची में शुरू हुई थी, वो पाकिस्तान से बाहर जाए, फिर हमारे बॉम्बे में है, इंडिया में है, इंडिया में बॉम्बे में, बॉम्बे के बहुत सारे इनके एरियाज हैं, जो तहसील्स हैं जहाँ पर जो हमारे कॉन्वेंट हैं, उनके ऑलमोस्ट तकरीबन जो है हमारे जो है वो इंडिया में गोवा में मलाके जो हैं तकरीबन 16 घर हैं, और जो है कराची में हमारे 9 घर हैं, 4 हमारे पंजाब में हैं। और इसके साथ साथ जो अब जो है हमारा जो मिनिस्ट्री है वो शारजा में है, वहाँ पर भी एजुकेशन के साथ सिस्टर्स काम कर रही हैं और अपनी खिदमत दे रही हैं। और अब जो है कुछ महीने गुजरे हैं कि अभी हमारा जो है इटली में भी एक घर शुरू हुआ, तो वहाँ से वो इंडिया से हमारी सिस्टर्स हैं वो वहाँ पर गई हैं और उन्होंने ये घर शुरू किया है। सिस्टर जी, आप फ्रांक दिली के साथ खिदमत कर रही हैं, आपकी बातें सुनकर मेरी भी आंख नम आ गई। सिस्टर जी, आपसे मेरा तीसरा और अहम सवाल ये है कि आप प्रेसिडेंट भी है दारुल सुकून की, दारुल सुकून की जो तारीखी पस मंजर को बयान करें। ये इस तरह हुआ कि हमारी सिस्टर गर्टरूड थी, तो जब वो एज अ सिस्टर थी तो जैसे मिशन वर्क के लिए जाती हैं, विजिट के लिए लोगों के लिए, तो जब वो गईं तो उन्होंने देखा कि एक घर में एक बच्चे को उन्होंने केज में बंद किया हुआ है। तो वो जब आई तो बड़ी अपसेट हो गई, तो क्योंकि उनके अपने भी फैमिली में कुछ इस तरह के एक दो उनकी एक या अपने दो कोई बहन थी, तो वो पहले से उसके दिल में ये चीज़ थी। और जब वो जब विजिट के लिए गई तो उसने देखा कि ये इंसान को केज में डाला गया, और घर आके बड़ी अपसेट हो गई। फिर उन्होंने हमारी जो जमात थी जो उस वक्त की मदर जनरल थी उनसे और उनकी काउंसलर से रिक्वेस्ट की कि हम कोई ऐसा घर खोलें कि इन बच्चों के लिए जिन्हें लोग कबूल नहीं करते, माशरा कबूल नहीं करते, रद किए हुए लोगों के लिए। तो सिस्टर गर्टरूड थी और उनके साथ जो है फिर हमारी बहुत सी पायनियर सिस्टर्स थी, सिस्टर जैमा, सिस्टर मार्गरेट, सिस्टर
एंटलिन और बहुत सारी ऐसे अरूथ जिनका बहुत उनके साथ 50 ईयर्स उन्होंने उनके साथ गुजारे। तो उन्होंने जब ये होम खोला तो आस्ता आस्ता फिर सिस्टर्स उनके साथ मिलती गई और काम जो है वो हमारा बढ़ता गया। तो ये सेरा जो है वो सिस्टर गर्ट्रूड के साथ जाता है जिन्होंने अपनी जमात से परमिशन मांगी और फिर कार्डर के पास एक घर था वो देना चाह रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ सिस्टर्स को बुलाया, कॉन्ग्रीगेशन को बुलाया और उनसे पूछा कि ये मैं घर देना चाहता हूँ, आप बताएं किस घर के साथ आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारी लंबी लिस्ट लिख के दी लेकिन सिस्टर गर्ट्रूड ने सिर्फ दो लाइनें लिखी, आई वॉन्ट दिस होम फॉर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड देयर एंड देयर कार्डिनल जोसेफ क्वाडेरो ने कहा दिस इज फॉर द FMC की सिस्टर्स। तो इस तरह जो इस घर का आगाज हुआ। तो ये जो ये पोर्शन नया है और जो दूसरा पोर्शन है वो वाला था, एक घर था। तो वो जो कार्डिनल जोसेफ क्वाडेरो ने जो है वो हमें डोनेट किया और उससे ये जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ। वाह सिस्टर जी, आपसे मेरा अहम सवाल ये है कि आप अपने मिशन और विजन को हमारे दरमियान पेश करें। हमारा मिशन जो है वो यीशु की बादशाही को फैलाना है और आप देखें कि बादशाही किसी रूप में भी हो सकती है, इसलिए मैं हमारी जो जमात के काम भी जो है इसी तरह के हैं ऑल राउंड। तो हमारे काम है एजुकेशन के साथ है, हेल्थ केयर के साथ है और पास्टर जो है लोगों में जाना, विजिट करना और उनको हाइजीन्स के बारे में बताना और बच्चों को कैटेकिज्म सिखाना, संडे स्कूल, मिशन ऑफ मेरी में इनके ग्रुप्स के साथ काम करना, यूथ के साथ हमारा काम है और इवन के हमारा सेंट मेरी में सिस्टर रोजी जो है वो तलिता कॉम ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं और वो इंटरनेशनल वो जो है वो है ग्रुप है वेमेन का जो कि उनके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करती हैं। तो वो कोऑर्डिनेटर है हमारी इटली में उनका घर है और ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं एज फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस तरह के हमारे वर्क जो ऑलराउंड है और यही हमारा मिशन है, यही यीशु की बादशाही जो है हम फैलाना चाहते हैं और विजन हमारा यही है टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, वर्क फॉर द पुअर। क्योंकि हमारी मदर जो थी उनका जब जमात उन्होंने शुरू की तो गुड फ्राइडे का दिन था तो वो ऐसे क्रॉस के सामने दुआ कर रही थी तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे यीशु उसको कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, तो उसी प्यास को वो बुझाने के लिए उसने इस ये विजन और मिशन को लेकर चली कि मैं यीशु के इस बर्निंग थर्स्ट को जो है क्वेंच, उसकी जो क्वेंच जो उसको पूरा कर सकूँ, उसकी प्यास बुझा सकूँ ताकि जितने भी लोग हैं मैं यीशु के कदमों पर ला सकूँ। यही मेरा विजन और मिशन है। सिस्टर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, महंगाई और माशी हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं जी, लोग अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता भी करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, जो बच्चे माजूर हैं उनके वालदैन उन्हें सेहतियाब देखना चाहते हैं मगर देख नहीं पा रहे। आप एक अहम किरदार अदा कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं और माजूर बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, आप भी इस चैलेंज से जो है वो गुजर रही हैं, इसके हवाले से कोई मैसेज? जी, यहाँ के आजकल के दौर में तो है कि महंगाई ने तो वैसे लोगों की कमर तोड़ दी हुई है, लेकिन जब स्कूल में मेरे पास जब आते हैं वालदैन आते हैं मैं उनको कहती हूँ अब बच्चों को लेकर जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं उनके लिए करूँगी और मैं बहुत बच्चों को कंसेशन देती हूँ और कभी कभी तो कुछ ऐसे लोग भी रिसोर्स पर्सन ढूंढती हूँ जो उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ताकि उन बच्चों की तालीम में कमी ना आए, तो तालीम के हवाले से तो हम इस तरह हैं और बाकी जो देखें कि देखिए हमारे जो होम्स हैं ये हमने खोले हुए हैं, जो हमारे केयर टेकर्स हैं जो इन बच्चों के साथ खिदमत कर रहे हैं हम इनका भी ख्याल रखते हैं। तो ये है कि इनके बच्चों को हम एजुकेट कर रहे हैं, इनकी फ़ीस, इनकी एडमिशन्स वगैरह सब कुछ जो है हमारा दारा सुकून का अदारा जो है सपोर्ट करता है इनको ताकि इनके बच्चे जो है आगे तालीम में आगे निकल जाएँ, इनको रोज़गार मिल जाए और उसके साथ साथ जो है ये है कि
जैसे कि हमारा ये अदारा है, इन बच्चों के तवसत से जो है हम उनकी माली मदद भी करते हैं। और जहाँ तक कभी किसी बच्चों की शादी करनी है, हमारी अगर मदद की ज़रूरत है, तो हमारा ये स्टाफ भी और हम भी मिलकर जो है उनके लिए कोशिश करते हैं कि उनका घर बस जाए, और उनके लिए जहेज के लिए कुछ ना कुछ हम इकट्ठा करते हैं। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन अभी जो है रिसेंटली हमारे यहाँ एक बच्ची की शादी हुई थी, वालदा की डेथ हो गई थी, वो इधर ही पहले काम करते थे, वालिद भी तो काफ़ी वो तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन इस अदारे ने उस बच्ची के लिए बहुत कुछ किया है। अभी भी जो है राशदाबाद में हमारी एक टीचर है, वो मुस्लिम है, उसने भी रिक्वेस्ट की है, तो अपने तौर पर जो है मैंने अपने स्टाफ की टीचर से भी कुछ कहा है, और इवन के दारुस्सलाम भी जो है अपने तौर पर जो कुछ वो कर सकते हैं उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि ये हमारा जो तबका है पिस्ता ना जाए, लेकिन इनके एटलीस्ट इनके बच्चों को एजुकेशन की जो है रोशनी मिले। और वालदेन से मेरा मैसेज यही है कि वो हिम्मत ना हारें, लेकिन जो है कि जो मैंने देखा है कि हमारे जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को नंबर वन देते हैं, लेकिन तालीम को जो है वो लास्ट में रखते हैं, और वो समझते हैं कि तालीम उनके लिए बोझ है। बाकी कामों के लिए अगर उन्होंने बच्चों की कोई सेलिब्रेशन करनी है तो वो लाखों में भी वो खर्च करते हैं, पता नहीं उस वक्त उनके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन जब तालीम की बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए है कि वो देखिए तालीम जो है इंसान को संवारती है, बनाती है, तालीम के जेवर से अगर उनके बच्चे आरास्ता हो जाते हैं तो अपने कदमों पर वो खुद खड़े होकर उनके लिए जो है मदद के मावन हो सकते हैं उनके। तो इस तरह मैं वालदेन से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, चाहे वो अगर वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं कर सकते तो कम से कम गवर्नमेंट स्कूलों में जो है उनको एडमिशन करवाएं। बाकी जो है उनके जो बुनियादी मसीह तालीम है, ये उनका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को चर्च लेकर आएं, अपने बच्चों को मसीह तालीम से रोशनास करवाएं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सारा काम जो है फादर सिस्टर्स का है, जबकि मैं समझती हूँ कि पहला दर्स जो है, पहला घर जो है उन वालदेन का है। तो ये भी हम एजुकेशन में भी यही सीखते हैं कि पहली गोद माँ की और पहला जो स्कूल है वो घर है, जिसमें वालद है, वालदा है और उनके बाकी फैमिली के बच्चे हैं और बहन भाई हैं। तो ये कि पहला स्कूल उनका घर का है, उनकी अच्छी तरबियत करें, उन्हें अच्छी तालीम दिलाएं, ताकि वो भी जो है ये मत कहें कि वो कुछ नहीं है, गरीब है, ये है, क्योंकि चलो और कुछ नहीं तो तालीम ही दिलवानी है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में हमने भी देखे कि जब हमारे वालदे ने उन्होंने हमें प्राइवेट स्कूलों में नहीं दाखिल कराया, हमने भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ कर जो है आज यहाँ तक आए हैं। तो इसलिए कि अगर प्राइवेट स्कूलों में नहीं डाल सकते तो गवर्नमेंट स्कूलों में डालें, वो अगर वो हिम्मत करेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे, तो उनके साथ दूसरे लोग भी उनके साथ आ जाएंगे कदम बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके और उनके बच्चे एजुकेट हो सके। सिस्टर जी, आपका एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अहम मालूमात आपसे हासिल हुई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके इस चैनल को और भी दिन दुगनी तरक्की दे, कि इसी तरह आप अपने रहबरों की आवाज़ और इसी अवेयरनेस के साथ जो है आप दूसरों को अवेयर करते जाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। क्लिनिक है ICU, जहाँ पर जब जो बच्चे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो फिर हम उनको यहाँ पर लेकर आते हैं। हमारा नर्सिंग स्टाफ है, बच्चे हैं, जब इस तरह की हालत में होते हैं तब हम इनको यहाँ पर लेकर आते हैं। इससे हमारे नर्सेज है, ट्रेन नर्सेज है, तो डे में भी इनकी ड्यूटी लगती है, रात को भी लगती है, तो मीन 24 आवर्स जो है यहाँ पर कोई ना कोई होता है ICU में।
ये हमारा किचन है जहाँ से जो है बच्चों का खाना जो है तैयार होता है। और ये मेरे हेड कुक है, राजू इनके नाम है, राजू राजू है। और ये मॉनिटर करते हैं बाकी कुक्स को भी, है ना। Thank you.